रावत ने प्रेस वार्ता करके बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार इलेक्शन कमीशन के आदेश की अवहेलना कर रही है। चुनाव की घोषणा के बाद आबकारी विभाग में आदेश निकाला गया है और ये बस करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। हरीश रावत ने कहा कि आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता विभाग में अपने चहेतों को पोस्टिंग दी गई है। बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल नियुक्तियां हो रही, जिन नीतियों के जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनकी प्रेस रिलीजेस, उनके पोस्टर इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने के बाद लग रहे हैं, जो अपने आप में प्रमाण है इस बात का कि ये नियुक्तियां जो है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के को वायलेट करके हुई है। शिक्षा में बड़े नग्न तरीके से हो रहा है। कल ही कल इतवार के दिन कार्यालय खुलवा करके 600 के करीब आदेश निकाले गए और हो सकता है ये संख्या और ज्यादा हो। हमने इलेक्शन कमीशन को ऐसे विभागों की लिस्ट भेज दी है, कंप्लेंट कर दी है। राशन की दुकानों पर जो बैग दिए जा रहे हैं, अनाज जिनमें दिए जा रहे हैं जो है वो, उनमें श्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर के फोटो लगे हुए, चेहरे लगे हुए, जबकि होना ये चाहिए कि पेट्रोल पंपों सहित हर सार्वजनिक स्थल से ऐसे चित्र हटाए जाने चाहिए। और यहां तो राशन के किट भेजे जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्री टपकेश्वर महादेव के दरबार में भी हाजिरी लगाई, जहां पर उन्होंने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम के साथ उनकी माता भी इस दौरान मौजूद रहीं। इस दौरान सीएम ने कहा कि टपकेश्वर महादेव की हमारे प्रदेश के सभी श्रद्धालुओं पर बहुत बड़ी कृपा है। इस समय जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ी है, मैंने महादेव से सभी प्रदेशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है। तो सीएम धामी टपकेश्वर महादेव दरबार पहुंचे, जहां उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई। तो नैनीताल यानी कि सरोवर नगरी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में साल का दूसरा हिमपात देखने को मिला है। रात भर बारिश के बाद सुबह तड़के ऊंचाई वाले क्षेत्र जिसमें स्नोव्यू, चीना पिक, किल्बर, हिमालय दर्शन और कई जगह पे बर्फबारी हुई है, अब इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ का रुख कर रहे हैं। पर्यटन कारोबारी अब यहाँ से खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मसूरी और रुद्रप्रयाग में भी बर्फबारी देखने को मिली है। तो नैनीताल, मसूरी और रुद्रप्रयाग तीन जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लगभग सभी ऊंचाई वाले जितने भी क्षेत्र हैं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर इस समय चल रहा है, लेकिन खासतौर से नैनीताल हो, मसूरी हो या रुद्रप्रयाग, ये वैसे भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इसलिए यहाँ पर जो इससे जुड़े हुए कारोबारी हैं, होटल से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, उन सबके चेहरे खेले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक अब यहाँ का रुख कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं नैनीताल, मसूरी और रुद्रप्रयाग की, जहाँ पर बर्फ से ढकी हुई ये इमारतें आपको नजर आएंगी। तीन दिनों से चमोली में मौसम खराब है, इस कारण 18 से अधिक गांवों में जमकर बर्फबारी हुई है। इस दौरान औली में बर्फबारी का उत्सव मनाने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं और बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। साथ ही साथ यहां का जो टूरिस्ट उद्योग है वो भी इस समय उत्साहित नजर आ रहे हैं यहां पर, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बर्फबारी है इनके व्यवसाय के लिए भी अच्छी साबित हो रही, क्योंकि औली में आप जानते हैं कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर लोग स्कीइंग के लिए या फिर आप देखते हैं कि खासतौर से बर्फबारी के सीजन में यहाँ पर लोग इसका रुख करते हैं, और औली में इस समय जमकर बर्फबारी हुई है ऊंचाई वाले इलाकों में, और इसलिए काफ़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँच रहे हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से इससे जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं उन सबके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं।
उधर आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कुमाऊं के पहाड़ी जिले बागेश्वर में प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बागेश्वर जिले के 2,16,765 मतदाताओं के लिए 376 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कपकोट और बागेश्वर को 4 जोनल और 75 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। इसमें बीएलओ को ग्रामीण क्षेत्र में विशेष जिम्मेदारी दी गई है। दिव्यांग और बुजुर्ग महिलाएं, पुरुष और मतदाताओं के लिए इस बार पोस्टल बैलेट पेपर मान्य किया गया है। जिलाधिकारी विनीत कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बागेश्वर जिले के नागरिकों से आचार संहिता की पालना करने की अपील की है। लगभग सभी तैयारी जो इलेक्शन से पहले की अनाउंसमेंट से पहले की जो तैयारियां होती हैं वो सभी हमने यहाँ पे कर ली है। और ऑन अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन भी के बाद में क्योंकि MCC भी लागू हो जाती है तो उसको लेकर भी हमने यहाँ पे कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जो हमारे पब्लिक प्लेसेस में हमारे विदिन 48 आवर्स जो हटाने होते हैं उसकी भी हमने कार्रवाई यहाँ पे शुरू कर दी है। और जो प्राइवेट प्रिमाइसेस में विदाउट परमिशन अगर किसी ने होर्डिंग्स वगैरह लगा रखी है तो उसको हटाने का भी हमारे यहाँ पे कार्रवाई हमारी चल रही है। देखिए, आदर्श आचार संहिता का जो है अनुपालन पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है। इसमें साथ ही साथ हम अन्य विभागों के साथ समन्वय बना करके इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे की जो हमारी प्राथमिक कार्रवाई होती है वो इस समय चल रही है काफ़ी तेज़ी के साथ। जगह जगह जो भी जो सरकारी स्थल है वहाँ पर जो विरूपण हो रखा है जगह जगह प्रचार सामग्रियों से वो सारा हटाया जा रहा है। शीघ्र ही ये पूरी तरह से कम्प्लीट विद इन टाइम कर लिया जाएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग एक्टिव मोड में है। सबसे पहले अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के अवैध होर्डिंग और पोस्टर्स को हटाना शुरू किया है। इसमें हरिद्वार में शहर भर में लगे हुए नेताओं के इन होर्डिंग्स और पोस्टर्स के कटआउट्स को हटाया गया है। शहर भर में फैले इन होर्डिंग्स को हटाने में अधिकारियों को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी है। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती का यह कहना है कि सभी तरह की प्रचार सामग्री को हटाने के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है। 24 घंटे के अंदर सभी पोस्टर्स और होर्डिंग्स को हटा दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बीच में आम आदमी पार्टी वर्चुअल माध्यम से जनता तक पहुंच रही है और इसी क्रम में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वर्चुअली नव प्रज्ञापन संवाद की शुरुआत की है। उन्होंने अपने पहले संवाद में उत्तराखंड की जनता को संबोधित किया है और इसी तरह से 16 जनवरी तक पार्टी के बड़े नेता वर्चुअली माध्यम से जनता से संवाद करेंगे। मनीष सिसोदिया संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि आज से ठीक 35 दिन के बाद यानी कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में नई सरकार के लिए चुनाव होना है। ये भी उन्होंने कहा कि 21 साल पहले महान आंदोलन की वजह से ही उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ था। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के रुड़की में ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें नगर से ब्राह्मण समाज के चेहरे को चुनाव में टिकट देने की मांग की गई है। भारतीय ब्राह्मण समाज के नगर अध्यक्ष सतीश शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि चुनाव के दौरान हमेशा से ब्राह्मण समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है लेकिन इस बार समाज की उपेक्षा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में ऐसे कई चेहरे हैं जो कि कांग्रेस और भाजपा के सिंबल पर प्रबल दावेदारी कर रहे हैं और पार्टी में भी उनके नामों पर चर्चा है। अब बैठक में ये भी तय किया गया है कि जो भी पार्टी ब्राह्मण समाज के चेहरों को अपना उम्मीदवार घोषित करेगी उसके साथ पूरे समाज के लोग एकजुट होकर खड़े रहेंगे। तो सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारी में प्रशासन पूरी तरह से जुट चुका है। इसमें हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों का निर्वाचन कंट्रोल रूम बना दिया गया है। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की निगरानी यानी कि CDO नैनीताल कर रहे हैं। इसके साथ ही निर्वाचन के हर प्रकार की गतिविधि को भी इसी कंट्रोल रूम से संचालित किया जाएगा जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ प्रशासन का यह दावा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पैशाली ने बर्खास्त पीआरओ नंदन बिष्ट के मामले पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले नाटकीय प्रतिक्रिया हुई और फिर धामी जी ने पीआरओ को खनन के ट्रक छुड़ाने के मौखिक आदेश देकर चिट्ठी लिखवाई। आम आदमी पार्टी के सवाल खड़ा करने पर अपनी गलती का ठीकरा पीआरओ पर फोड़कर उनको सस्पेंड कर दिया और अब जांच परिणामों को बिना परखे और जनता से साझा किए पीआरओ को बैकडेट से बहाल भी कर दिया गया। तो लंबे समय से 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर के पुलिस परिजन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन चुनाव आचार संहिता से पहले पुलिस कर्मियों के 4600 ग्रेड पे को लेकर के सरकार ने पुलिस कर्मियों को 2,00,000 रुपए देने की बात कही, जिसके बाद से लगातार पुलिस और परिजनों में आक्रोश दिख रहा है। पुलिस परिजन ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर पहुंचकर हरीश रावत को एक ज्ञापन सौंपा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को यह ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें 4600 ग्रेड पे करने को लेकर के पुलिसकर्मियों के द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही है, लेकिन अब चूंकि सरकार ने उनकी बातों को नहीं सुना है, ऐसे में हरीश रावत से मिलकर के उनको अपना यह ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रेड पे को लेकर के नाराजगी भी व्यक्त की गई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को यह ज्ञापन सौंपा गया, 4600 ग्रेड पे को लेकर के एतराज़ है इन पूर्व पुलिसकर्मियों को, जिनका ये कहना है कि ये जो ग्रेड पे उनको दिया जा रहा है वो सही नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम पद के प्रत्याशी कर्नल कोटियाल ने चुनाव की तारीखों की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव हार का नहीं, बीजेपी और कांग्रेस को हटाने का है। कोटियाल ने कहा कि 14 तारीख का दिन होगा और मुझे ये यकीन है कि लोगों के मन में झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। हमारे साथ उत्तराखंड के 18 लाख लोग अलग अलग गारंटी के माध्यम से जुड़ चुके हैं। कोटियाल ने यह भी कहा कि आप पार्टी जनता से उनकी राय ले रही है, जिससे वो अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल करेगी। जो इलेक्शन है वो उत्तराखंड में सरकार बनाने का नहीं है, इस बार इलेक्शन है उत्तराखंड को इन बीजेपी और कांग्रेस ने जो बुरी तरह से तोड़ दिया है, उस टूटे हुए उत्तराखंड को दोबारा से बचा करके नवनिर्माण करने का। हमसे कई लोग ऐसी सवाल करते हैं कि आम आदमी पार्टी तो नई पार्टी है, ना इनका कोई कैडर है, इनके कोई संगठन है। तो हम बताना चाहते हैं कि किसी पार्टी का कोई भी कैडर हो, 100-100 साल पुरानी है बीजेपी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का जब हमने बिजली गारंटी स्कीम निकाली तो उसमें कोई 14.5 लाख परिवार ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जब हमने रोजगार की गारंटी स्कीम निकाली तो 8.5 लाख युवाओं ने, लड़के लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। आजकल हम महिलाओं का जो 1,000 रुपये पर मंथ उनके अकाउंट में भेजेंगे उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कोई 2.25 लाख हो गया है। इसी प्रकार से जब हमने तीर्थ स्थानों में तीर्थ यात्रियों को किस प्रकार से भेजने का जो तरीका बताया, उसकी जो घोषणा करी, तो उसमें कोई 2.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। आज आम आदमी पार्टी के पास कोई 18 लाख के करीब ऐसे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन जो लोगों के हो रखे हैं वो डेटा है। तो उनके पास तो केडर वाला होगा कि बीजेपी वाला कांग्रेस में टूट के जा रहा है, कांग्रेस वाला बीजेपी में टूट के जा रहा है, उनका केडर को समझ में नहीं आ रहा है मैं किस में जाऊँ। लेकिन हमारे पास में तो जो ज़रूरत है जनता की, उस जनता का असली सोच वाला रजिस्ट्रेशन। तो सरोवर नगरी नैनीताल में साल का पहला हिमपात हुआ है। देर रात से बारिश के बाद तड़के आसमान से बर्फ के फाहे गिरने लगे। हालांकि हिमपात अभी नगर की ऊंचाई वाले क्षेत्र हिमालय दर्शन, स्नो व्यू, चीना पिक और किल्बर क्षेत्रों में हुआ है, जिसने पर्यटन कारोबारियों और पर्यटकों के चेहरे खिला दिए हैं। अब पर्यटकों में भी बर्फबारी को देखकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और कैसा आप मेरे सामने देख रहे हैं,
पर्यटक भी यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। मसूरी के पास धनोल्टी में बर्फबारी होने पर मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। पुलिस ने पर्यटकों को धनोल्टी जाने से हालांकि रोका है। पुलिस को काफी मशक्कत भी इस दौरान यहां पर करनी पड़ी है। मसूरी और धनोल्टी बर्फबारी का आनंद ले रहे पर्यटक हालांकि मायूस इस दौरान नजर आए। तो धनोल्टी में हुई बर्फबारी के बाद आपको बता दें कि वहां पर पर्यटकों को जाने से पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद पर्यटकों को मायूसी का सामना करना पड़ा है। और चलिए इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। एडमिट करना है जल्दी, ये फॉर्म भर दो और अगले काउंटर पे पैसे जमा करा दो। अरे पर अभी